नमस्कार। नमस्कार। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल में हरजीत कौर इंदौर से हैं। इनको सीए ओवरी लिवर मेटास्टेटिस। हरजीत जी की सर्जरी हो चुकी थी और सर्जरी के बाद इनको रिकरेंस हुआ और लिवर में आया। अब ये सब ट्रीटमेंट ले चुकी हैं एलोपैथी का। जी। एलोपैथी का ट्रीटमेंट लेने के बाद इनकी तकलीफें बढ़ना चालू हो गई। इनको सीवियर पेन होता था और नॉन स्टॉप वॉमिटिंग थी। ये कुछ भी लेती थी तुरंत वॉमिटिंग हो जाती थी। हमने अपने हॉस्पिटल में इनको एडमिट किया और इलेक्ट्रोहोमोपैथी से ट्रीटमेंट दिया। इस ट्रीटमेंट के बाद हरजीत कौर खुद बताएंगी कि कैसा, किस तकलीफ से ये आई थी और अभी कैसा फील कर रही है। जी मैडम, सबको नमस्ते। जी मैडम, मैं जब यहाँ आई थी तब बहुत तकलीफ में थी, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही थी, दर्द भी ऐसा नहीं था। दो चार दिन तो मुझे रिलीफ नहीं मिला, पर चौथे दिन के बाद मुझे रिलीफ मिलने लगा और वोमिटिंग भी धीरे धीरे कम होने लगी और धीरे धीरे मैं लिक्विड लेने लगी। मैडम पहले क्या होता था, आप लेती थी तो? जी वोमिटिंग हो जाती थी मैडम, तुरंत निकल जी, तुरंत वोमिटिंग हो जाती थी। दर्द में कैसा महसूस कर रही है? दर्द अब मतलब 80% आराम है, 20% थोड़ा है। जी आपके साथ आपके हस्बैंड भी आए हैं। जी जी नमस्कार, मैं संदीप जुनेजा। जी हरजीत कौर का हस्बैंड। जी इन्हें काफी तकलीफ थी। जी इनका बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में भी ट्रीटमेंट कराया, सीएचएल में इनका ऑपरेशन करवाया। जी उसके बाद फिर तारानानको मेडिकेयर पे भी इनके कीमो हुए। जी कम से कम इनके 14-15 कीमो हुए। जी उसके बाद भी इनको रिलीफ नहीं मिला। जी और ऑपरेशन के बाद फिर 1.5 साल बाद फिर इनको रिकरेंस हुआ। जी स्टमक पे इनको कैंसर आया, उसके बाद लिवर पे आया। जी बॉम्बे भी गए, टाटा मेमोरियल में भी दिखाया। जी वहाँ पे डॉक्टर सुरेश अडवाणी जो हैं, जी अपने सुश्रुत हॉस्पिटल के, जी उनको भी चेकअप करवाया तो वहाँ से भी रिलीफ नहीं मिला। जी अंत में हमें यहाँ का पता चला। कैसे पता चला आपको देवी अहिल्या के बारे में? मैंने गूगल पे सर्च किया। जी तो देवी अहिल्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी का पता चला मुझे। जी उसके बाद इनको मैं यहाँ लेके आया। जी इनको अब काफी रिलीफ है। जी इनकी वोमिटिंग भी बंद हो चुकी है। जी और इनको जो पेट में जो दर्द था वो भी काफी, उसमें भी रिलीफ मिला है। जी मतलब थोड़ा बहुत है वो भी दवाइयों से आराम लग जाएगा। आप कैसा फील कर रहे हैं? आप एलोपैथी? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। एलोपैथी तो हमारी गलती थी जो एलोपैथी की तरफ गए। जी इसका हमें बाद में पता चला यहाँ पे, तो हम यहाँ आए हैं। यहाँ का एटमोसफियर, यहाँ के वातावरण कैसा है? बहुत अच्छा है, सब यहाँ का स्टाफ, सब चीज, मतलब सब हॉस्पिटल सब अच्छा है, बहुत कोऑपरेट करते हैं यहाँ का स्टाफ भी। आधी रात को भी यदि हम को तकलीफ होती पेशेंट को तो आते हैं, उठ के ट्रीटमेंट देते हैं। जी थैंक यू। जी हरजीत जी, हम आपको मेडिसिन देके डिस्चार्ज कर रहे हैं। जी और ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं और ऐसी हमारा मानना भी है कि आप बहुत जल्दी इस बीमारी से ठीक होंगी। थैंक यू, धन्यवाद।